फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म तिरासी को लेकर काफी चर्चा बटोर रहे हैं। तिरासी के साथ साथ रणवीर के पास जयेश भाई जोरदार और इन सब के अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इन सब के बीच रणवीर का एक पुराना बयान काफी वायरल हो रहा है। स्टेटमेंट में रणवीर ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था जिससे हल्ला मच गया था। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं जो अपनी अपनी खासियतों की वजह से चर्चा का विषय बनते हैं, लेकिन शायद रणवीर सिंह जैसा कोई नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रणवीर का ड्रेसिंग स्टाइल हो, फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाना हो, हर बार कुछ नया ट्राई करने का रिस्क लेना हो, या फिर अपनी जिंदगी से जुड़े वो राज बेबाकी से बताना हो जो शायद बाकी स्टार्स बताने से पहले 10 बार सोचेंगे। रणवीर तो अपनी वर्जिनिटी पर बात करने से भी नहीं हिचकते। जी हाँ, कुछ साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान रणवीर से उनकी वर्जिनिटी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने बहुत बेबाकी से कहा कि मैं सिर्फ 12 साल का था जब मैंने अपनी से बड़ी उम्र की महिला के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। इतना ही नहीं, रणवीर ने यह भी कहा था कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा शैतान था। मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते थे और जो मेरे दोस्त थे, उनकी माँ मुझसे बहुत परेशान रहती थी और मुझे गलत समझती थी। वो कहती थी कि यही है जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। रणवीर ने यह भी बताया था कि मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मुझे हर चीज को वक्त से पहले जानना था। बहरहाल, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा ये किस्सा रणवीर को साझा करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होती। रणवीर की इसी बेबाकी को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।